साल से मैंने काम किया है दुकान पे, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और आपसे सर मुझे दो दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं और ट्रेसिंग आपको समझ में आई है? तो मतलब पहले भी सीखा है सर कहीं पर, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था, पर यहाँ के मामले में कॉम्पोनेंट्स भी कोई चीज होता है उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है। सर तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? सर कभी नहीं बनाया, और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया उसका ट्रेस किया सीरीज पहले, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला सर। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट दोस्तों आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम, और हमारे साथ हमारा स्टूडेंट है विशाल राजपूत जो महाराष्ट्र नंदुरबार से है। तो आज हमको ये मिरेकल में सैमसंग का फ्लैशिंग करना सिखा रहे, तो यूजर का डाटा सेव करते हुए कैसे फ्लैशिंग करना है ये सिखा रहे। तो विशाल जी बताइए। तो बघा सर आपल्याला आधी माझ्याकडे जे सर ट्राय करायचं नॉर्मल फ्लैशिंग केल्यावर यूजर डेटा डिलीट होतो, पण आपण जी आता फ्लैशिंग करणार आहे 4 फाइल घेऊन बायनरी नंबर मॅच करून त्याच्याने यूजर डेटा डिलीट होणार नाही या प्रकारे आपण फ्लॅशिंग करणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला बायनरी नंबर मॅच करावा लागतात, हे कसं करतात ते आम्ही शिकलो इथं, तर ते तुम्हीही येऊन इथं शिकाल एशिया टेलिकॉम मध्ये। तर ठीक आहे आपण स्टार्ट करू, तर याला पहिले डाउनलोड मोडवर आणायचं कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए बताओ? मॉडेम में बाद यहाँ पे दिखाओ हाथ लगा त्याच्यानंतर आपल्याला जायचं आहे मिरेकल बॉक्स ओपन केलेलं आपण सॅमसंग, कारण सॅमसंगचा मोबाईल आहे म्हणून। त्याच्यानंतर प्राइस फ्लॅश करायचं म्हणून राईट फ्लॅश, आता आपल्याला पोर्ट सिलेक्ट करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी स्कॅन करावं, हे ऑटोमॅटिक हे घेऊन गेला सॅमसंग मोबाईल USB मॉडेल, हे घेतल्यानंतर आपल्याला फाईल सिलेक्ट करायचे, जसं की 4 फाईल्स आहेत आणि याच्याने फ्लॅश केल्याने युजर डेटा डिलीट होतोच, तर आपण हेच बघणार आहोत की युजर डेटा कसं काय आपण सेव्ह करायला पाहिजे। तर आपण आता फाईल सिलेक्ट करत आहोत का विशाल? यस सर, हे बघा बूट मोड मध्ये आपण BL फाईल घेतली, आता PDF मोड वर हे पार्टीशन साठी असते हे फाईल, ही AP फाईल, फोन साठी आपण घेतली CT फाईल आणि CSC साठी आपण घेतली CSC फाईल। याच्यात बायनरी नंबर मॅच करून आपल्याला फाईल घ्यायची असते, जर तुम्ही बायनरी नंबर मॅच नाही केले मोबाईलचे आणि फाईलचे तर तुमचा मोबाईल डेट उपयोग जाऊ शकतो। तर आपण हे बायनरी नंबर मॅच करून हे सगळं करून आपण हे सगळं करायला पाहिजे, हे आम्हाला आमच्या सरांनी शिकवलंय हे कसं करायचं, जर तुम्हाला पण शिकायचं तर तुम्ही एशिया टेलिकॉम येऊ शकता। याच्यानंतर मग आपल्याला एकदा हे डिस्प्ले लिस्टवर जाऊन कस्टमरचा डेटा वाचवण्यासाठी आपण काय काय करायला पाहिजे, फाईल जी आहे ती अनटिक केलेली आहे। फाईल आपण अनटिक का केली विशाल जी?
सर आपल्याला यूजर डेटा वाचवायचा आहे त्याच्यासाठी, आणि हे आपण कुठून शिकू शकतो? हे एशिया टेलिकॉम वरून शिकू शकतो. सर तो तसे सारी बाले तो बता दिए मेरे काम से. तर विशाल जी आपण युजरचा डाटा वाचवण्यासाठी काय करू शकतो त्याच्यामध्ये? बघा मी काही फाईल अंटिक केली होती डिस्प्ले लिस्ट मध्ये जाऊन, तर त्याच्यात काही म्हणजे असतात ती फाईल ज्यांना अंटिक करावं लागतं ज्याच्याने युजर डेटा वाचू शकतो आपण. आणि जर हे सगळं काही आपल्याला शिकायचं तर आपण हे एशिया टेलिकॉम मध्ये येऊन शिकू शकतात, कारण हे सगळं इथे शिकू शकतो. इथला सारखा एक्सपिरियन्स कुठून मिळू शकत नाही. आणि माझा एक्सपिरियन्स भरपूर खूप चांगला राहिलेला आहे इथला. ठीक आहे, पुढची प्रोसेस करून घेऊ. हे सगळं झाल्यावर फक्त स्टार्ट बटनवर क्लिक करायचं. तर बघा मित्रांनो, आपला इथे मोबाईल सॉफ्टवेअर घ्यायला लागलेला आहे. ठीक आहे, व्हिडिओ खूप लांब होणार आहे त्याच्यामुळे आम्ही पॉज करतोय, आणि हे पूर्ण झाल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवू काय. चलो स्टार्ट ऍक्शन. नाही हे बघा कम्प्लीट होत आलेले आहे. हे कम्प्लीट झालंय. अब सामने फोन ऐसे दिखाते रहो, हाँ ऐसे रखते रहो, पूरा परफॉर्म करो. निकाल लीजिए केबल, निकाल सामने रखो फोन. ये अपने आप आएगा, अपने आप ऑन होगा, अपने आप होगा, अपने आप हो रहा, परफॉर्म हो रहा. वो रिबूट हुआ है ना फोन, कुछ नहीं. ये कमांडर नहीं, नहीं ऐसा नहीं है. ये आ है रिकवरी मोड. सो यहाँ पे हमारा फोन फ्लैश हुआ है, हमारा फोन चला गया रिकवरी मोड पे. सो हम इसको कुछ नहीं करना है. यहाँ पर सिर्फ आपने पावर की एक बार दबा देनी है, या वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, या कभी कभी ये डायरेक्ट देखो रिकवरी मोड से हट जाता है. अब अगर आप इसको हार्ड रिसेट कर देंगे तो आपका डाटा चला जाएगा. तो हमको रिबूट करना है, हार्ड रिसेट नहीं करना है. ये हमेशा फ्लैशिंग होने के बाद में जितनी भी फाइल है जो भी नए हो रहे हैं वो रिकवरी मोड पर जाता है, तो हम इसको सिर्फ रिबूट कर देंगे फोन. अब इसको पकड़ो तो अभी हमारा इसके अंदर पैटर्न लगा का लगा मिलना चाहिए. तो कस्टमर का ये फॉल्ट हो सकता है कि लोगो पर आ सकता है फोन यहाँ पर, या आप कॉम्बिनेशन फाइल डालते हैं तो आपने बाईपास किया हुआ है अपना एफआरपी. सो आप उसको अगर डाटा डिलीट कर देंगे तो बाईपासिंग वापस हट जाएगी, वापस जीरो पे आ जाएगा. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है सॉफ्टवेयर आपका बैच का, तो आप हर महीने की 13 तारीख को आ सकते हैं. अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एवरी मंथ आपको 28 तारीख का बैच मिलता है. यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर सामने देखिए इसमें पैटर्न अभी भी लगा हुआ है. और ये देखिए अभी भी जो पुराना पैटर्न गलत तरीके से मारा गया था, तो 20 सेकंड बता रहा है हमको, हम वेट करेंगे. मतलब अभी हमारा डाटा डिलीट नहीं हुआ, डाटा डिलीट नहीं हुआ. अब दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि अब इसके बाद हम फिर से फ्लैश करेंगे और इसमें दिखाएंगे कि सेम फाइल जो आपको दिख रही है फिर से फ्लैश करेंगे और देखेंगे डाटा डिलीट हो जाएगा इस बार. तो देखिए हमारा यहाँ पर अभी भी देखिए, तो ये हमारा देखो पैटर्न आ चुका है. मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर. मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो, या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो, या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो अब इसको फिर से फ्लैश कीजिए. और इस बार जो आपने यहाँ पे बताया था कि डिस्प्ले में कुछ फाइलों को अनटिक करना, मतलब कुछ भी मत कीजिए, डायरेक्ट फ्लैश कीजिए और दिखाइए कि इस बार पैटर्न जाता है कि नहीं. तो इसको डाउनलोड मोड में डालेंगे हम इसमें. तो एक नोटिस करतो मी, इथं पॅटर्न आहे कारण आपण डेटा वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कस्टमरचा, त्याच्यामुळे पॅटर्न तर होणारच आहे. आपण डेटा वाचवण्यासाठी जी फाईल अंटिक केली होती
त्याच्यामुळे हे पॅटर्न आहेच तिथं. आता आपण फुल फ्लॅश फ्लॅश करू, ज्याच्याने पूर्ण युजर डेटा पण डिलीट होणार आणि हे पॅटर्न पण झाला. आपण डेटा वाचवला म्हणजे तिथे लोगो येत होता, लोगो हाफ लोगो मध्ये अटकत होता, अटकत होता, त्यासाठी आपण एक फ्लॅशिंग केली ज्याच्याने आपण युजरचा डेटा वाचवू शकतो. आता आपण जी फ्लॅशिंग करणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण पूर्ण म्हणजे मगाशी तुम्ही ज्या फाईली अनटिक केलता त्या ह्यावेळी तुम्ही करणार नाही, तर पूर्णपणे फॉरवर्ड मारणार, तर त्यामध्ये आपण युजरचा डाटा वाचतो की नाही हे बघून. नाही त्याच्यात तर नाही वाचणार. ओके ओके ठीक. नमस्कार मित्रांनो, तर हे आपले जनार्दन सर आहे जयसिंगपूरहून. तर हे आता आपल्याला दाखवणार आहेत की आता फुल फ्लॅशिंग सॅमसंगची जे 7 प्राईमची कशा प्रकारे आपण करावी फुल फ्लॅश. तर पहिला आपण मिनेकल बॉक्स ओपन करू, त्याच्यानंतर सर्वात पहिला आपण बूट हिस्ट्री फाइल सिलेक्ट करत आहोत, त्यासाठी ही फाइल सिलेक्ट करत आहोत. त्याच्यानंतर नाव देतात बघू शकता आपला फोन कनेक्ट झाला आहे आणि चालू आहे आणि हे जर तुम्हाला सॉफ्टवेअर शिकायचं असेल तर तुम्हाला एशिया टेलिकॉम मध्ये यायला आहे. एशिया टेलिकॉम म्हणजे जबलपूर मध्ये आहे. तर देवरत्न सर तुम्हाला पूर्ण एकदम मस्त ट्रेनिंग देतील. तुमचे काही डाऊट सगळे सगळे क्लिअर करून टाकतील. आम्हाला इथे येताना काहीच पहिला नॉलेज होतं, तर या 3-4 दिवसात आम्ही सॉफ्टवेअरचं भरपूर नॉलेज घेतलं आहे. तर सर तुम्ही जेव्हा आले तेव्हा तुम्ही फ्रेशर होते? हा मी फ्रेशर. तुम्हाला कॉम्पोनंटचं नॉलेज पण नाही होतं? कॉम्पोनंटचे पण नॉलेज नव्हते. आता तुम्हाला कॉम्पोनंटचे नॉलेज आहे आणि सॉफ्टवेअर मध्ये दोन्ही पण कन्फ्युजन सगळे दूर झाले. ट्रेसिंग पण करून घ्या. ट्रेसिंग कॉम्पोनंट सगळं कॉम्पोनंटचे नॉलेज, ट्रेसिंग त्यानंतर आतमध्ये आपल्याला सर एक एक सेक्शन वेगवेगळे करून देतील, ज्यामुळे आपल्याला ओळखणे सोपे होऊन जाईल पर्टिक्युलर ह्या सेक्शन मध्ये हा प्रॉब्लेम आहे. सर तुम्ही रिव्हिजन केला का? रिव्हिजन तर क्लासेसच 4-5 तास चालू असतात. अच्छा. त्याच्यानंतर परत राजेश सर रूमवर येऊन परत क्लासेस घेतात, काही कन्फ्युजन असतात ते दूर करतात. म्हणजे एकदा इथं शिकलो तर डोक्यात बसतं डायरेक्ट, म्हणजे तुम्हाला आपल्याला रिव्हिजन करायची गरज नाही. तुम्ही जाऊन स्वतः ट्रेसिंग तुम्ही स्वतः बोर्ड डायग्राम करू शकता, तुम्ही स्वतः करू शकता पूर्णपणे. याची आम्ही याचा अनुभव घेतोय, एक्सपिरियन्स आहे की तुम्ही पूर्णपणे परफेक्ट होणार. आपला सॉफ्टवेअर होत आहे तो मित्रांनो, तर यासाठी आपण थोडा वेळ व्हिडिओ पॉज करू, नाही तर व्हिडिओ मोठा होत आहे. तर मित्रांनो बघा, आता आपण सॉफ्टवेअर चालू आहे, 93% वर आलेला आहे. तर बघू मोबाईल लगाओ धीरज भाई, लगा है किसी का
अब देखो आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा था यहाँ पर कि पहले आपने यही चीज एक फाइल के साथ की थी और हमने कुछ चीजों को अनटिक किया था ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए। अभी हमने कुछ भी चीजों को अनटिक नहीं किया, सीधे सीधे फाइलों को हमने फ्लैश किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि अब हमारे साथ में डाटा हमारा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्योंकि पहले हमारा फोन रिकवरी मोड पे गया था तो हमने रिकवरी मोड से डाटा को डिलीट नहीं किया था तो हमने उसको रिबूट कर लिया था। सो हम देखेंगे हमने अभी तक रिकवरी मोड पे तो गया नहीं है ना फोन, तो अभी रिकवरी मोड पे गया नहीं है फोन और अगर जाएगा तो भी हम रिबूट करेंगे, हम कोई वहां से डाटा डिलीट नहीं करेंगे। बट अभी हम देख रहे हैं कि डाटा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये उसके बाद फ्लैश हो जाता है तो ये बिल्कुल नया जैसा आना चाहिए। जैसे जब नया टाइप फोन फ्लैश खरीदते हैं तो जैसे आप कंपनी और इंडिया और ये सब नाम चुनते हैं। देखिए अब फोन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, हमने नया ईएमसी का क्लास चालू किया है, 10 दिन का क्लास है, आप बिल्कुल आइए यहाँ पर। डेड बूट रिपेयर, अगर आपने पेस्टर आईसी निकालना, पावर आईसी छोटी छोटी आईसी को रिफॉल करना, आप अपने डेड सेट यहाँ ला सकते हैं, आप ही के सेट से आपका काम करवाएंगे। 10 दिन का क्लासेस है, 6 से 7 घंटे का क्लासेस है, आप आइए यहाँ पर। और डेड बूट रिपेयर JTAG और UEFI बॉक्स का भी टोटल इंटरफेस आपको सिखाएंगे। पहले दिन में आपको रिबॉलिंग सिखाएंगे, दूसरे दिन में पेस्टर आईसी निकालना सिखाएंगे, तीसरे दिन में बॉक्स का इंटरफेस, और फिर बाकी के दिनों में उसी चीज को हम रिवाइज करवाते रहेंगे। तो उसमें अपग्रेड कैसे करते हैं आईसीओ को, जैसे 8 GB टू 16 GB करना है तो आपने आईसी आपको कैसे पहचानना है आईसीआर फ्लैश आईसी, आपने अगर आपकी टूट गई है तो उसको ड्रिलिंग करके कैसे निकालना है, अगर सपोज आपने आईसी इतनी पेस्टेड है कि ब्लैक पेस्ट कैसे निकालना है, तो ये सारी चीज आपको 10 दिन के अंदर। तो उसके लिए जो हमारी क्लास है वो 20 फरवरी से चालू हो रही है और उसके बाद जो हमारा बैच है वो 10 मार्च का बैच है, 10 दिन का क्लासेस है। जो हमारी फीस है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, बाकी आप कॉल कर सकते हैं, राजेश सर आपको मिलेंगे कॉल। तो देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड इज स्टार्टिंग अपग्रेड, मतलब ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने हमसे पहले बार पे हमसे उसने मांगा था रिकवरी मोड, हमने रिकवरी मोड पे हमारे पास ऑप्शन थे हार्ड रिसेट करने के, पर हमने नहीं किया तो डाटा बच गया। अब ये मतलब ऑलरेडी रिसेट हो गया, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर यूजर डाटा जैसे यहाँ पर चला है, यूजर डाटा चलने के कारण क्या हुआ है कि पूरा यूजर डाटा हट गया हमारा, वही फोन जो हमने पहले आपको इसी फ्लैश फाइल के साथ में फ्लैशिंग करके दिखाया था कि डाटा डिलीट नहीं हुआ है, और सेम फ्लैश फाइल के साथ हमने देखा कि डाटा डिलीट हो गया है। लोग कर क्या रहे हैं, दुकान वाले टेक्नीशियन जो मेरे भाई है वो कस्टमरों के डाटा डिलीट कर दे रहे हैं और उसके बाद फ्लैशिंग आपका FRP पे लग जाता है फोन। जनरली अगर आपके सामने कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि लोगों पर हैंग है और डाटा आपको डिलीट नहीं करना है तो आपको तरीका यूज करना चाहिए। देखो आगे करके दिखाओ, तो यहाँ पर ये देखो ये बिल्कुल FRP पे आ गया है क्या फोन आपका, अगर इसमें जीमेल ऐड नहीं होगा तो FRP पे नहीं आएगा। यहाँ पर इस तो थोड़ी स्क्रीन को यहाँ पर ऐसा दबा लो ताकि ये टच चले इसका, ठीक है, एग्री ऑल करो, नेक्स्ट करो, आगे बढ़ाइए, दबा गया। अब देखो हाँ नेक्स्ट, सो अभी इसका मतलब ये फोन हमारा FRP पे आ गया, नहीं FRP पे नहीं आया, मतलब क्योंकि इसमें कोई भी जीमेल आईडी नहीं है। तो नेक्स्ट करते जाओ और हम देखेंगे पैटर्न लगा है कि नहीं लगा, तो अब तो पैटर्न लगा नहीं होगा ना,
अगर आपका सैमसंग अकाउंट लगा है तो वो भी आपका सैमसंग अकाउंट से फ्लैशिंग से निकल जाता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो YouTube में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरन जी नवीन बुक लिया है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल, अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.